तो बेसिकली जो है मम्मी चाहती थी कि हम बताएं कि इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आए हैं, और उसका सिंपल रीजन यह है कि जब हम चेन्नई में थे, एक मिनट रुक जाना भाई, फोन कट देने देने नहीं हो कट दिए रात रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। गुड मॉर्निंग, आज बहुत ही दिनों बाद अपने घर पे मॉर्निंग हुई है। 10 दिन से घर बंद पड़ा था तो इतनी ज़्यादा मिट्टी है, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो किचन में नहीं जा सकते क्योंकि पूरी किचन गिरी है। और सुबह सुबह हमने बुलाया है रिपेयर करने के लिए, ये देखो क्या हो रहा है। किचन में नहीं जा सकते, खाना नहीं बना सकते, दूध मंगवाया दूध नहीं गर्म हो सकता क्योंकि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंगवाई थी मैंने, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनको कहाँ रखूँ। ये देखो इतनी फ्रूट और वेजिटेबल्स मंगवाई हैं मैंने, समझ नहीं आ रही कि इनको रखूँ कहाँ क्योंकि फ्रिज तो बंद है। और मलन साहब ने मेरे को बोला अभिषेक के रूम में रख दे, तो मैंने भी बेड पर बिछा के रख दिया। अब क्या करूँ, कितनी देर यहाँ पड़ी रहेंगी। ऊपर से मलन साहब को भूख भी लगी हुई है, लेकिन क्या करूं। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ गया हूं और उठ के बाथरूम में आया हूं नाचने के लिए। और इधर पीछे देख सकते हो तुम, पूरी किचन को तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है। और यहां पर देखो, आहा क्या बात है, किचन तो टूटा हुआ है तो मम्मी ने बेडरूम को किचन बना दिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू डिंपल्स किचन। अब डिंपल्स किचन किचन में नहीं, बेडरूम में है। क्या बना रहे हो मम्मी? मैं बना रही हूँ चिल्ला, मूंग दाल विद पालक। मूंग दाल का चिल्ला, मूंग दाल और पालक का चिल्ला, बीच में तो डोसा ही बोल लो फिर। डोसा ही है, मूंग दाल और पालक का डोसा बना रही है मम्मी। अगर सांभर के साथ खाएंगे तो डोसा हो जाएगा, चटनी के साथ खाएंगे तो चिल्ला हो जाएगा। ओह वाओ मम्मी, आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट। सो स्मार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मी ग्रेट है भाई, पहले कमरे में खाना बनाया, अब ड्राइंग रूम में कॉफी बना रहे हैं। मम्मी बेस्ट हो, पूरे घर के अलग अलग पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के मम्मी ने एक एक इक्विपमेंट जो है लगा रखा है। ठीक है ना, खाना बनाने से मतलब है कहीं तो बन जाएगा, कहीं तो बनेगा ही ना। अब तेरे को कॉफी चाहिए थी तो फिर कॉफी उधर कहाँ लगाती मैं, पॉइंट नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे इंडक्शन लगा रखा है ना, तो यहाँ पे कॉफी मशीन है और तवा वो कहीं और होगा। तवा इंडक्शन पे ही तो रखा हुआ है ना। अच्छा सॉरी। हाँ, और एयर फ्रायर भी यहाँ रखा हुआ है। सॉरी, मेरे को इतना आता नहीं है। आप ही पियो, मैं हॉट कॉफी पीऊंगी। ये कोई चीज़ होती है क्या कि पेरेंट्स यू नो सभी के ऐसा हॉट प्रेफर करते हैं और बच्चे कोल्ड प्रेफर करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि पापा भी हमेशा गरम चाय, गरम कॉफी, गरम गरम, इसीलिए शायद इतने गरम है वो। हॉट, आई मीन हॉट। जनरेशन गैप इसको ही बोलते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा है क्या कि तुम्हारे भी पेरेंट्स गरम चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं और तुम्हें ठंडा ठंडा दूध जूस कॉफी चाहिए होता है ताकि बच्चे कूल रहें, ठंडे ठंडे रहें। या यू आर राइट मम्मी, लव अर्थ है तो नाइस, थैंक्स। हेलो गाइस, तो हम बता, तो आज बहुत ही दिन बाद जो है सारे साथ में है। फुकरा भाई जो है वो वापस आ गए हैं घर पे। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई माली का कॉल आ गया है, माली भैया को कहना 5 मिनट बाद कॉल करे, थोड़ी देर बाद पानी दे देंगे। तो बेसिकली जो है मम्मी चाहती थी कि हम बताएं कि अशर को टैनिंग क्यों हुई है, कि इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आए हैं। और उसका सिंपल रीजन यह है कि जब हम चेन्नई में थे, एक मिनट रुक जाना भाई। आईवू वालों ने, पहले तो थैंक्स टू आईवू, स्पॉन्सर्ड नहीं है वैसे ही हम
दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ना हमारे बहुत सारे ब्लड टेस्ट करे, तो उन ब्लड टेस्ट में जो है थोड़ी सी पापा की रिपोर्ट्स में ऐसा दिक्कत सी दिखाई दी, तो फिर उन्होंने बोला कि पापा के ना हमें TMT CT स्कैन कराने चाहिए, वो हमने करवाए, तो पापा के हार्ट में थोड़ा सा ऐसा उनको लगा इशू है, तो फिर हमने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करा, एंड कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद एंजियोप्लास्टी हुई, जिसके बाद हमें पता चला कि पापा के हार्ट में ब्लॉकेजेस है, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल ब्लॉकेजेस थी। एंड कैसा लगा आपको ये बात सुनकर? उस वक्त कैसा लगा था पापा को? पापा वैसे चलते हैं, पापा का मुंह उतर गया था, लेकिन भाई अच्छा लगा, हम सब बहुत ज्यादा वरिड थे, लेकिन अगेन थैंक्स टू आईवो, उन्होंने हमें लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण से मिलवाया, एंड उसके बाद डॉक्टर अरुण ने हमें बोला कि जितना जल्दी हो सके ऑपरेट कर लेना चाहिए, एंड हमने क्विक डिसीजन लिया, एंड एक ही दिन के बाद पापा का एंजियोप्लास्टी हो गई। एंजियोप्लास्टी बड़ी बात है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया। एग्जैक्टली, सब चीजें जो हुई आईवो की वजह से, सब कुछ नलिनी मैम फ्रॉम आईवो एंड शिवा सर, उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतना सोचते तो बहुत टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली, एंड थैंक्स टू डॉक्टर अरुण कल्याण सुंदरम आल्सो, लाइक दीज पीपल लिटरली इन्होंने हमें हेल्प करा कि हमें टाइम से पहले पता चल गया कि इतना सीरियस कुछ हो सकता था, बट नहीं हुआ, एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, एंड अभी वी आर कैसा लग रहा है आपको? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी आर बैक, ऐसा लग रहा है आपके हार्ट में कुछ डाला गया, लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं, हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है भाई के, तीन स्टंट डले हैं पर भाई एक घंटे सैर करिए ऊपर छत पे, क्या हुआ? और फिर अब ये ना आपने अब ये वादा दिया कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारेंगे, चाय कम पिएंगे। मैंने जो करना ना मैंने किसी का भाई पांच दिन देखो, मैंने एक चीज रियलाइज करी, ऑपरेशन कराने वाले को ज्यादा टेंशन नहीं होती, नहीं होती। फैमिली बाहर होती है उसको ज्यादा टेंशन, जो बाहर बैठी होती है ना, जो वेट कर रही होती है, हमको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बंदे को आगे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते ना, तो सारे जो पीछे खड़े होते ना उनके ऐसे एकदम भूम भूम भूम, बंदे को तो बेहोश कर देते हैं, बंदा तो सो जाता है, हम तो पीछे उठोते हैं, पता हम लोग ओटी के बाहर ऐसे वॉक कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि भाई थोड़ा अच्छी न्यूज आ रही है, ऑपरेशन खत्म होते टाइमली पता चल गया और टाइमली सब कुछ, और ऑपरेशन खत्म हुआ बाहर निकालो, पापा कहते अब चाय पी सकता हूँ मैं, तो यार आते पिए दो चाय। एक और चीज, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी तो नेगेटिव आई है कुछ कुछ, उस पे क्या कर रहे हो तुम? हमारी भी हाँ, तो बेसिकली हमारे भी हुए थे कुछ कुछ टेस्ट, और आईवो वालों ने बेसिकली हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह रिकमेंड करे, जो अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, अब हम एकदम फिट रहेंगे, और अब निश्चय पिज्जा नहीं खाएगा, रात को जल्दी सोएगा और 3 बजे एक्सरसाइज रोज करेगा, शादी जल्दी कर लेगा, फिर तो तबीयत खराब हो जाएगी। The next day. अशर लाया नानू के लिए सोने की केटल। नानू चाय तो नहीं पीते हैं, तो सोचा नानू के लिए चाय आज से सोने की केतली में। पर चाय तो बंद हो गई नानू की अब। ओहो। मम्मी कितनी चाय मांग रहे हैं आजकल पापा? अभी CCD से मंगवाई है चाय। हे भगवान, तो मुझे बोल देते मैं ले आती आपके लिए चाय। वो ठंडी हो जाती वहां से आने में। तो CCD से जैसे ठंडी नहीं होती। वाह, अरे तुम्हारा लॉजिक, रेस्ट इन पीस लॉजिक। ये तो वो है जादुई मोरक्कन, खोल के दिखाओ, अनबॉक्सिंग करो, अलादीन वाली मोरक्कन, देख रहे हो आपके नए घर के लिए, वैसे नानू के लिए, नानू इसमें चाय पियेंगे, वो भी देख रहा है। ए, क्या लेके आई हो नानू के लिए? ये क्या लेके आयो नानू के लिए? मम्मी ये तो चमक रही है, चमक रही है। सोने की कैटल अशर ने की गिफ्ट नानू को। ओ माय गॉड, नानू के लिए इतना बेहतरीन तोहफा। थैंक यू अशर बजरी। इट्स ओके नानू, आपके लिए तो सब कुछ। लो आपकी किचन टूटी है, तो आपके लिए खाना लेके आए हम बहुत सारा। चलो पापा शुरू हो जाओ। तो हमारी किचन में तो कोई काम हो नहीं सकता, तो इसलिए प्रेरणा खाना लेके आई है। और ये देखो कितनी वैरायटी, भिंडी, दाल और ये देखो उल्चे छोले, निश्चय के फेवरेट मटर कुलचा। क्या बात है अशर भी खा रहे हैं हमारे साथ दाल बैठ के। अशर के मुंह में तो चूपा डला हुआ है। वाह, बड़ा तेज है, मुझे पता ही नहीं लगा रोटी कब निकली और चूपा कब डल गया।
बेटा छोड़ दे पैसिफायर। लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क़ चेचना।